आज मैं सर करने जा रही हूँ काजू कतली जैसी बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी की रेसिपी, जिसे आप कम खर्चे में बनाकर तैयार कर सकते हैं और दिवाली में सबका मुंह मीठा कर सकते हैं। इस बर्फी को बनाने में ना तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत है। बस आप यहाँ 2 से 3 चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये मिठाई आपके बजट में होगा तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फुल वॉच करें, आपको ये बहुत ही पसंद आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ मूँगफली। तो मूँगफली हमने 1 कटोरी लिया है, आप कप से भी ले सकते हैं, वजन से ये 200 ग्राम है। और इधर हम लेंगे 10 काजू। काजू आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर आप बिना काजू के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस हमें यहाँ लेना है 1 पेन और उसमें हम सारे मूँगफली को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमें यहाँ फ्लेम को लो ही रखना है, लो में ही हमें इसे भूनना है। इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक ये क्रंची ना हो जाए, अच्छे से ये भुन ना जाए। तो ये देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है, हमें यहाँ भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये बढ़िया से भुन गया है, आप इसका छिलका देख सकते हैं कि ये अलग हो रहा है। तो इसे हम निकाल लेंगे 1 प्लेट में और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाए तब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये देख सकते हैं इसे हम इस तरह से फैला दिए हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। आप पंखे के नीचे भी रख दें तो ये बड़ी से जल्दी से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके सारे छिलके को इस तरह से मसलते हुए निकाल लेंगे, आप दोनों हाथों से ही मसल लें। तो ये मैंने यहाँ छिलके को हटा दिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इधर हम लेंगे 1 जार और उसमें हम सारे मूँगफली को डाल देंगे और इसे हमें ग्राइंड करना है। तो इधर जो हमने काजू निकाल के रखे थे उसे भी हम डाल देंगे साथ में और साथ में हम इसे भी पीस लेंगे। तो इसे हमें लगातार नहीं पीसना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर हम इसे चलाएंगे वरना ये ज़्यादा से ऑयल छोड़ देगा पीनट। तो बस इसे हम पीस लेंगे बढ़िया से और उसके बाद इधर 1 पेन में हम डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी। 1 कटोरी पीनट था ये, तो ये हम यहाँ उसका आधा लेंगे चीनी और उतना ही हम पानी भी ले लेंगे। इसे हम अच्छे से पकने देंगे तो 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से इसे पका लेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे तो ये बिल्कुल चिपचिपा होना चाहिए, 1 तार की चाशनी हमें नहीं चाहिए। तो बस इसमें इस स्टेज पर हम डाल देंगे मूँगफली। तो मूँगफली जो हमने पीस कर रखा था उसे डालने से पहले हम यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे, उसके बाद डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। मूँगफली में थोड़े दाने रह भी गए होंगे तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें जब हम चाशनी में डाल के अच्छे से पकाते हैं तो ये धीरे धीरे अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये धीरे धीरे हमें भूनते भूनते कितने अच्छे इसका एक लुक है, टेक्स्चर आया है। इस तरह से हम लगातार चलाते हुए इसे थिक कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये कितने थिक हो गए हैं। तो बस इसी तरह से हमें चलाते रहना है, इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल न पकाएं वरना इसका टेस्ट है वो ख़राब आएगा। तो ये देख सकते हैं ये कितने थिक हो गए हैं, ये तवे को भी छोड़ रहा है। तब अब इसे हम 1 प्लेट में या फिर कटर पेपर या फिर प्लास्टिक शीट इस तरह से ले लें और उसमें आप पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लें, उसके बाद आप यहाँ सारे बैटर को डाल दें जो हमने यहाँ इसे मूँगफली और काजू को बनाकर रखा था, उसे हम सारे मिश्रण को निकाल लेंगे और उसके बाद इसे हमें बढ़िया से मसलना है। तो इस तरह से हमें दोनों हाथों से प्लास्टिक को उठाते हुए अच्छे से मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से स्मूथ आ जाए और अच्छा सा टेक्सचर आए बर्फी में। तो इस तरह से हमें अच्छे से मसल मसल कर अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें लगातार 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से मिला लिया है, बढ़िया से ये मिल गया है। तो इसे हम हाथों से पहले बढ़िया से फैला लेंगे, उसके बाद हम एक बेलना से इसे अच्छे से स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। तो ये देख सकते हैं बर्फ़ी की जितनी मोटाई होती है ठीक होना चाहिए, बस उतने ही हम इसकी साइज रखेंगे, ऐसे हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम लगा देंगे चांदी के वर्क, आप लगाना चाहें तो लगाएं वरना इसे आप प्लेन भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे बाजार का लुक देने के लिए हमने यहाँ लगा दिया है थोड़े से चांदी का वर्क, उसके बाद हम इसे कट लगा लेंगे। तो इधर हम इसके किनारे साइड से कट लगा कर इसे हम हटा देंगे। तो मैंने यहाँ इसे ज़्यादा देर के लिए
सेट होने के लिए नहीं रखा था, आप इसे एक ढाई से दो घंटे के लिए रख दे सेट होने के लिए बढ़िया से। उसके बाद इसमें आप कट लगाएं तो आपकी बर्फी है बहुत अच्छे से जमकर तैयार होगी। कट लगा लें और इसे आप बढ़िया से मन पसंद शेप में कट लगा लें। तो यहाँ मैंने इसे डायमंड का शेप दिया है, जो बर्फी का शेप होता है बस उसी में मैंने इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ सबको कट लगा लिया है, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, मुँह में जाते ही घुल जाए, ये इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इसकी बर्फी, तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो ये लीजिए काजू कतली बनकर तैयार है, कम खर्चे में बहुत ही आसानी से आप अपने बजट में बनाकर तैयार कर सकते, मुँह में जाते ही घुल जाए, इतने अच्छे ये बर्फी बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट नरम है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आने वाले त्यौहार में आप इसे बनाएं या फिर जब भी मीठा खाने का मन करे तब आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।